हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू किरण्स किचन। आज आप सबके साथ मैं कश्मीरी साग की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हमें सबसे पहले चाहिए 1 किलो कश्मीरी साग, करीब करीब 1 किलो धुला हुआ, साफ किया हुआ, और आधा कप कश्मीरी तेल, जिसे मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, स्पेशली कश्मीरी सरसों का तेल, और साथ में चाहिए बड़ा 1 मग पानी का और 3 हरी मिर्च कटी हुई। और आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो मैं गैस ऑन करूंगी इसे पकाने के लिए, जो कि मैंने ऑन करके गैस पे कुकर लगा दिया है, और इसमें मैंने आधा कप तेल डाल दिया है और नमक भी 1 चम्मच टीस्पून डाल दिया है। और लेकिन स्पेशली हमें चाहिए इसके लिए लकड़ी की कड़छी इसे खिलाने के लिए। तो तेल जो कि पक चुका है, अब इसमें मैं सबसे पहले 3 कटा हुआ हरा मिर्च डाल दूंगी, और उसके बाद तेल में सबसे पहले पानी नहीं डालूंगी, इसी तेल में जो कि तेल पक चुका है, हरी मिर्च सफेद हो गई है तेल में, तो इसी में मैं साग डाल दूंगी। इस साग में हरी मिर्च का अरोमा आएगा, साग थोड़ा करके मैं सारा इसमें डाल दूंगी। मैंने तेल में ही इसे पकाया है, अभी मैंने पानी इस्तेमाल नहीं किया है। साग हो गया, अब इसे मैं थोड़ा इसी लकड़ी की मेरे पास स्पून है बड़ी वाली, उसी से मैं इसे हिलाऊंगी, ऊपर नीचे करूंगी। और मैंने इसमें कोई लहसुन, अदरक, लाल मिर्च कुछ भी यूज़ नहीं करा, जैसे ही कश्मीरी साग ऐसे ही कश्मीर में बनाया जाता है और इसे बहुत पसंद किया जाता है। हो गया है, देखिए तेल में पूरा मिल चुका है ये। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, जो पानी मैंने आपसे बताया डाल दिया है, और इसका जो स्पून है वो निकाल दूँगी, स्पून है इसे निकाल के बाहर कर दूंगी, और अब मैं इसे स्टीम दूंगी। स्टीम दे दिया और इसकी 2 सीटी तक इसका इंतजार करूंगी। अब जबकि 2 सीटियां बच चुकी हैं, साथ ही मैं इसकी स्टीम उठा लूंगी और गैस ऑफ कर दूंगी। साथ ही मैंने इसका स्टीम निकाल दिया, इसकी स्टीम नहीं रहनी है, नहीं तो ये ग्रीन नहीं रहेगा, हरा नहीं रहेगा। तो स्टीम पूरा निकल चुका है, तो अब इसे मैं खोल के आपको दिखाऊंगी। सिर्फ 2 स्टीम, और साथ ही हमें इसका वेट जो है वो उठा देना है। सीटी ये साग आपका तैयार हो चुका है, और देखिए हरा ही रहा है। ये हरा इसी वजह से रहा है, एक तो आपको लकड़ी की कड़छी यूज़ करनी है, और दूसरा इसे तेल पे ही पकाना है, इसे तेल पे ही पकाना है, फिर पानी डालना है। ये देखिए गल गया है, पूरी तरह से गल चुका है ये। 2 स्टीम लगी है इसे, और स्टीम भी साथ में निकाल दी गई है इसकी सारी। इस तरह से आपका ये खाने के लिए तैयार है। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी कश्मीरी साग अच्छा लगा हो, तो इसे ज़रूर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू व्यूअर्स।